हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन रीजनिंग क्लास। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का गेट एकेडमी पर। एंड आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग, लेटर कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट टू पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था एंड आज हम लोग इस क्लास को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आरआरबी जेई के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो डियर आपको पता है टोटल जो वैकेंसीज है वो 7,900 वैकेंसीज है। जियो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है आपकी। कब हुई थी एप्लीकेशन स्टार्ट? 30 जुलाई को। एंड लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए कि लास्ट डेट जो है आपकी 29 अगस्त है। इससे पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन कर ले। साथ ही आप क्या करिए, अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। करना क्या है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। 777 में एक कोर्स परचेज कर लीजिए जो आपके दोनों एग्जाम्स को टारगेट करते हुए CBT 1 एंड CBT 2 के लिए, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, तो प्लीज यू नीड टू फोकस ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर केयरफुली। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से फोकस कीजिए एंड आंसर भी बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत सफलता के साथ, समझदारी के साथ। आपसे कहा क्या है, कह रहा है मंकी इज रिटन, यानी इन अ सर्टेन लैंग्वेज मंकी इज रिटन एज XDJMNL। तो पूछे टाइगर का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट कीजिए कि मंकी का कोड ही बना कैसे, देन उसके बाद टाइगर का कोड बताइए क्या होगा। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट डियर, जब आप क्वेश्चंस को करें तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस के साथ करें। जल्दबाजी में ना अक्सर लेटर हौच पौच हो जाते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं, तो वो वाली गलती ना होने पाए। देखिए हम से कह रहे हैं मंकी, MONKEY, मंकी, मंकी का कोड था XDJMNL, क्लियर। फिर आपसे पूछे टाइगर का कोड क्या है, तो टाइगर का कोड हमें बताना है। सबसे पहले इसका कोड समझना पड़ेगा, क्या कुछ अपोजिट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। M की पोजीशन होती है 13, O की पोजीशन होती है 15, N की पोजीशन होती है 14, K की पोजीशन 11, E की पोजीशन 5 एंड Y की पोजीशन 25, L की पोजीशन 12, N की पोजीशन 14, M की पोजीशन 13, J की पोजीशन 10, D की पोजीशन 4 और X की पोजीशन 24। मुझे एक चीज दिखी, वो यहां से यहां दिखी -1, E -1, D हो गया। यहां देखिए 11, 11 -1, ये 10 हो गया, -1, फिर -1 एंड लास्ट -1, सभी में -1 चल रहा है ऑल क्रॉस। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना था इस वाले क्वेश्चन में। तो जब -1 करेंगे, T से पहले क्या होता है? S, यानी लास्ट लेटर आपका S आना चाहिए। सी ऑप्शन चला गया। चलिए फर्स्ट लेटर की बात करते हैं, ये होता है 18, यानी अब आना चाहिए -1 17, 17 यानी क्यू, पहला लेटर क्यू होना चाहिए। तो देखिए पहला लेटर क्यू कहां मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन वन में, ठीक है। तो यहीं से हमारा आंसर आ गया, हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अगर करते तो यहाँ एच आ जाता, यहाँ एफ आ जाता और -1 यहाँ डी आ जाता, यानी QDFHS हमारा पहला ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बेटा ध्यान से आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन अच्छा है, लॉजिकल है, ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। चले सर्टेन कोड, कंप्यूटर का कोड ये है, तो बताइए रुझुन का कोड क्या होगा, व्हाट विल बी द कोड फॉर रुझुन। ध्यान देने वाली बात थी, कंप्यूटर का कोड पहले समझना जरूरी था। तो कंप्यूटर लिख लेते हैं COMPUTER, कंप्यूटर, और कंप्यूटर का जो कोड हमें दिया है वो हम लिखते हैं सबसे पहले।
रुंजुन, आर यू एन, सॉरी, दिस इज नॉट द कोड फॉर कंप्यूटर. ठीक है, कंप्यूटर का कोड था KWUX, KWUX CBMZ. क्लियर है? अब आप यहां पर देखिए, सी की पोजीशन होती है 3, ओ की पोजीशन होती है 15, एम की पोजीशन होती है 13, पी की पोजीशन 16, यू की पोजीशन 21, टी की पोजीशन 20, ई की पोजीशन 5 एंड आर की पोजीशन 18. के की पोजीशन 11, डब्ल्यू की पोजीशन 23, यू की पोजीशन 21, एक्स की पोजीशन 24, सी की पोजीशन आप 3 भी ले सकते हैं एंड 29 भी ले सकते हैं, क्योंकि Z के बाद A 27, B 28, C 29. इसी तरह से B 28 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, M 13 और Z 26. लॉजिक क्या है? क्लियरली देखिए, +8 दिख रहा है मुझे यहां पर, +8, अगेन +8, फिर से देखिए +8, और लास्ट तक अगर आप जाएंगे डियर, आपको लॉजिक +8 का ही मिल रहा है. जब +8 का लॉजिक है तो आप क्या करोगे, आर यू एन जे एच यू एन, आर की पोजीशन 18, एन की पोजीशन 14, यू की पोजीशन 21, एच की पोजीशन 8, जे की 10. और जब सभी में +8 है तो सबसे पहले नंबर लिख लीजिए, 18 + 8 26, 26 यानी जेड, जेड से शुरुआत होगी यू प्लस, तो ये बना 29, 29 यानी सी, एंड 14 + 8, 14 + 8 22 यानी बी. तो देखिए सी भी यहां भी मिलेगा और सी भी यहां भी मिलेगा, सी एंड बी, क्योंकि यू एन यू एन. जे जे की पोजीशन होती है 10 + 8 18, 18 यानी आर, एंड सेम एज 8 + 8 16, 16 यानी पी. तो आप देखिए ये ऑप्शन आपको कहां मिल रहा है, जहां पर आपका जेड सी वी. तो जेड सी वी तो देखिए सभी में था, लास्ट वाले में नहीं था, तो लास्ट वाला कट हो गया क्योंकि जेड सी वी सभी में. अब उसके बाद दिया आर पी सी वी, तो देखिए लास्ट सी वी यहां नहीं है, तो देखिए आर पी सी वी यहां मिल गया, यहां क्यू था तो इसलिए गलत हो गया. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 के लिए पोल मैं आपको दे देता हूं, आंसर कीजिए. ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्लीज ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स. सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपसे कह रहे हैं सिक्किम का कोड ये है तो बताइए ट्रेनिंग का कोड क्या होगा. सिक्किम का कोड आपको दिया है, ट्रेनिंग का कोड आपसे पूछा है, क्वेश्चन लिख भी लेते हैं. SIKKIM सिक्किम, सिक्किम का कोड था ये. THLJJL, S की पोजीशन 19, आई की पोजीशन 9, के की पोजीशन 11, के की पोजीशन अगेन 11, आई की पोजीशन 9, एम की पोजीशन 13. अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिए टी की पोजीशन 20, एच की पोजीशन 8, एल की पोजीशन 12, जे की पोजीशन अगेन 10 एंड एल की पोजीशन अगेन 12. तो यहां पर लॉजिक क्या लगा, समझते हैं इसको. केवल अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा यहां पर है आपका +1, यहां पर है -1, यहां पर है +1, यहां पर है -1, अगेन +1 एंड -1, +1 -1, +1 -1. तो अब आप क्या करोगे, आपसे पूछा ट्रेनिंग का कोड क्या होगा, TRAINING ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग का कोड अगर हमें पता करना है तो पहले +1 है, टी से +1 क्या होता है, यू. नंबर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि +1 -1 तो कर लोगे. आर -1 क्यू, +1 बी, -1 एच एच आई, एच आई ठीक है, क्यू आर एस टी क्यू आर ठीक है, फिर +1 एन के बाद क्या आता है ओ, फिर -1 एच आई अगेन एच आई. तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है, +1 एन +1 यानी ओ, यहां पर क्या गया -1 एफ, क्योंकि एफ पहले आता है, तो यानी देखिए यू क्यू बी एच, यू क्यू बी एच यानी ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, यू क्यू बी एच सभी में, चारों तीनों ऑप्शन में यू क्यू बी एच है, इसको तो छोड़ ही दो. ओ एच ओ एफ, ओ एच ओ एफ कहिए, ओ एच ओ एफ आपका ऑप्शन डी में है,
तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करिएगा, किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी मत कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। नीड टू फोकस डियर, फोकस करना है। कह रहा एक सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्रैश इज कोडेड एज एक्स एम बी एन सी, विच वर्ड वुड बी कोडेड एज ट्रेन। हिंदी में पढ़ लीजिएगा, यदि किसी निश्चित भाषा में क्रैश को एक्स एम बी एन सी के रूप में कोड किया जाता है तो किस शब्द को ट्रेन के रूप में कोड किया जाएगा, किस शब्द को ट्रेन के रूप में कोड किया जाएगा। आपको आंसर करना है विद इन द 1 मिनट, यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम, आपके पास बहुत टाइम है। पहले इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, देन उसके बाद आप इसका आंसर कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझोगे आंसर करने जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डियर वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्या है, क्या रहा है, क्योंकि अगर आपने इतना समझ लिया तो क्वेश्चन आसान है। चलिए अभी हम एक बात करते हैं, यहां पर सी आर ए एस एच, सी आर ए एस एच क्रैश का कोड है एक्स एम बी एन सी, क्लियर। अब यहां पर देखिए है क्या, ये कह रहा है इस वर्ड का कोड तो ये है, फिर कह रहा है ट्रेन किसका कोड है, यानी ट्रेन बेटा यहां आपको क्या दिया हुआ है, ट्रेन आपको सॉल्यूशन दिया है, आपसे पूछा है वर्ड क्या होगा, बात समझ में आई, उल्टा जाना पड़ेगा। तो देखो सी की पोजीशन होती है या तो 3 ले लीजिए या 29 ले लीजिए, दोनों पॉसिबिलिटी, आर 18 हो गया, ए 1 हो गया, एस 19 हो गया और एच 8 हो गया। अब ए को 1 या 27 दोनों लिया जा सकता है, एक्स का 24 हो गया, एम का 13 हो गया, वी का 22 हो गया, एन 14 हो गया, सी 3 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है। लुक 29 24 -5 18 -5 27 22 -5 19 14 -5 8 3 -5, तो यानी इसमें -5 का लॉजिक था। तो यहां देखिए ये पोजीशंस कितनी है, ये 20, ये 18, ये 1, ये 9, ये 14, और ये पोजीशंस हमें कब मिली होंगी, जब हमने सेम लॉजिक ये लगाया होगा, यानी ये -5 करने के बाद आई होंगी, यानी यहां एक वर्ड होगा उसमें से -5 किया होगा, -5 -5 -5, तो यहां ऊपर क्या रहा होगा, 25 रहा होगा, तभी तो -5 करके हमें 20 मिला। अब देखो 23 में से 5 गए 18, अब यहां देखो 6, 6 में से 5 गया 1, अब यहां देखो 14, 14 में से 5 गया 9, और यहां देखो कितना हो जाएगा 14 प्लस 5 19, यानी एस एन 14 एफ 6। अब देखिए 23 किसकी होती है, डब्ल्यू की, और वाई यहां पर आ गया, वाई डब्ल्यू एफ एन एस, Y W F N S, यानी करेक्ट आंसर देखिए आपका क्या बना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है कि इस वर्ड का कोड ये है तो इस वर्ड का क्या होगा, इसमें उल्टा पूछा है, कह रहा है इस वर्ड का कोड ये है तो बताइए ये जो कोड है ये किस वर्ड का है, आपसे उल्टा पूछ लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आपसे कह रहे हैं गोल, गोल का कोड आपका दिया है ये, फिर पूछा है प्लान, प्लान का कोड आपका क्या होगा, गोल का कोड दिया है तो प्लान का कोड क्या होगा, ध्यान से आंसर कीजिएगा, टाइम शुरू होता है आपका अभी। डियर क्वेश्चन करते समय हमें थोड़ा सा फोकस रखना होगा, अगर हम क्वेश्चन करते समय फोकस नहीं रखेंगे तो हम गलतियां कर बैठेंगे, और मैं नहीं चाहता कि हम किसी भी तरह की गलतियां करें क्वेश्चन को सॉल्व करते समय।
हम क्या करते हैं, हमें कह रहा है गोल, गोल का कोड क्या है, JRDO। JRDO जी का हो गया 7, ओ का हो गया 15, ए का हो गया 1, एल का हो गया 12, जे का हो गया 10, आर का हो गया 18, डी का हो गया 4, ओ का हो गया 15। अब आप क्या करोगे, देखो प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, इससे आसान क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता था। और देखिए आपसे कह रहा है, तो बताइए उस कोड में प्लान कैसे लिखा जाएगा, PLAN प्लान। तो ये देखिए प्लान की पोजीशन P16, L12, A1, N14, तो सभी में प्लस थ्री आ रहा है, प्लस थ्री यानी 19, 19 यानी S। अब यहां पर देखिए L की पोजीशन होती है 12, 12 प्लस 3 15, 15 यानी O, 1, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 यानी 4, 4 यानी D। अब यहां पर देखिए 14 प्लस 3 17, 17 यानी Q, S O D Q, S O D Q इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है रिलीफ का कोड दिया है QFKKDI, तो पूछा वेलकम का कोड क्या होगा, व्हाट कैन बी द कोड फॉर वेलकम, वेलकम का कोड क्या होगा। माय डियर प्लीज फोकस कीजिए, आप यहां देखिए आपसे कह रहे हैं रिलीफ, रिलीफ का कोड है आपका ये, पूछा है वेलकम, वेलकम का कोड आपका क्या होगा। रिलीफ, रिलीफ का कोड है आपका ये, जिसको आप बोलेंगे QFKKDI। क्लियर, तो आपसे पूछा वेलकम का कोड क्या होगा, WELCOM। तो माय डियर आपको क्या करना है, देखिए R, R की पोजीशन होती है 18, E की 5, L की 12, I की 9, E की अगेन 5, F की 6, ये 5 है डियर, राइट। Q की पोजीशन 17, F की पोजीशन 6, K की 11, D की 4, I की 9। तो देखिए यहाँ माइनस वन है, यहाँ प्लस वन है, यहाँ माइनस वन है, यहाँ प्लस टू है, फिर देखिए यहाँ माइनस वन है, यहाँ प्लस थ्री है, यानी ऑल्टरनेट माइनस वन है एंड ऑल्टरनेट प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री। W की पोजीशन 23 है, E की पोजीशन 5, L की पोजीशन 12, C की पोजीशन 3, O की पोजीशन 15, M की पोजीशन 13 और E की पोजीशन 5। माइनस वन, रिजल्ट विल बी 22 यानी बी, प्लस वन, प्लस वन करेंगे तो 6, 6 यानी एफ, माइनस वन, 11, 11 यानी के, प्लस वन, 4, 4 यानी डी, सॉरी अब ये प्लस वन नहीं होगा, दिस विल बी प्लस टू। तो जब आप प्लस टू करोगे, प्लस टू क्योंकि देखिए प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, इस बात का ध्यान देना होगा, तो प्लस टू यानी 5, 5 यानी ई। फिर देखिए आपने प्लस वन माइनस वन किया था, फिर आपने प्लस वन किया था, माइनस वन किया था, प्लस टू किया था, माइनस वन करेंगे 14, 14 यानी एन, अब आप करेंगे प्लस थ्री, प्लस थ्री यानी 16, 16 यानी पी, फिर आप करेंगे माइनस वन, 4, 4 यानी डी। तो देखिए डी तो केवल एक ही में आया लास्ट में, तो यहीं से आपको क्या हुआ, आंसर मिल गया, करेक्ट आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं।
क्वेश्चन करते समय बेटा पोजीशंस एंड रिवर्स पोजीशंस याद होना बेहद जरूरी है। अगर आपको पोजीशंस एंड रिवर्स पोजीशंस नहीं याद है तो क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस आपके डबल हो जाते हैं। तो ये पहला ड्यूटी है आपका कि आप पोजीशंस याद करें, रिवर्स पोजीशंस याद करें एंड क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करें। कह रहा है सीक्वेंस का कोड दिया है आपको, आपसे पूछा चिल्ड्रन का कोड क्या होगा। सीक्वेंस सीक्वेंस का कोड जो है वो आपका FDOF VRFT। पूछा किसका कोड है, पूछा है आपसे कोड चिल्ड्रन का, CHILDREN। तो माय डियर बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा कोड सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। देखिए एस की पोजीशन होती है 20, सॉरी एस की पोजीशन होती है 19, ई की पोजीशन 5, क्यू की पोजीशन 17, यू की पोजीशन 21, ई की 5, एन की 14, सी की 3, ई की अगेन 5। देखिए 6 4 15 6 22 18, एफ का 6, टी का 20। देखिए 19 और 1 20, 5 और 1 6 प्लस 1 17, 18 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 14, 15 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 1 6। यानी या तो ऐसे कर लो कि अपोजिट लिख दिया है ना, या फिर आप क्रॉस कर लो, दोनों तरीके से आंसर किया जा सकता है। तो सी आपका क्या हुआ था, प्लस 1 हुआ था। सी का क्या आएगा लास्ट में, डी, एच, एच के बाद क्या आएगा आई, आई के बाद क्या आएगा जे, एल के बाद क्या होगा एम, डी के बाद क्या होगा ई, आर के बाद क्या होगा एस, ई के बाद क्या होगा एफ, एन के बाद क्या होगा ओ, ओ एफ एस ई। तो देखिए ओ एफ एस ई, ओ एफ एस सी, ओ एफ एस सी, ओ एफ एस सी, ओ एफ ई एस, उल्टा हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए एम जे आई डी, एम जे आई डी, और जैसे दिखा एम जे आई डी, तो एम जे आई डी यहां तो नहीं मिला और यहां भी नहीं मिला, तो एम जे आई डी यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सेकंड, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। कह रहे बैंकिंग इज कोडेड एज LMJROJP एंड रेलवे इज कोडेड एज दिस, पूछा विंकल का कोड क्या होगा। मैं आपको टाइम भी देता हूं, टाइमर भी देता हूं, सॉल्व करना शुरू कीजिए। बैंकिंग बैंकिंग का कोड है आपका LMJR OJP। फिर आपसे पूछ रहे रेलवे का कोड क्या होगा। रेलवे का कोड पूछा नहीं है, रेलवे का कोड तो दिया है, दैट इज DMOHZMEC, ये हमें कोड दिया है। अब आपसे पूछा व्हीकल का कोड WINKAL। माय डियर मुझे लग रहा है कि पोजीशन बेस कोडिंग तो नहीं है, जिस पोजीशन पे जो है चेक करते हैं। देखिए ए आपका एम लिखा है, ए एम लिखा, हाँ वही है, एन आपका जे हो गया, ठीक है यहीं से आपको हिंट मिल गया, एन आपका जे हो गया और ए आपका एम लिखा हुआ था, ठीक है। एल की पोजीशन कहां से निकालेंगे, एल की पोजीशन यहां से निकालेंगे, लास्ट लेटर होगा एच, तो लास्ट लेटर MH होना चाहिए, तो MH आपको दो जगह मिला, बाकी सब हटा दो, पहले दो लेटर ZO ही है दोनों में, तो ZO हमने एज इट इज लिख दिया। अब आपको क्या करना है, आपको ZO के बाद आपको क्या दिख रहा है, N का कोड J है, और जैसे दिखा J है तो R तो नहीं हो सकता, ये गलत हो गया, करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 में मुझे एक चीज करनी पड़ेगी, मैं माफी चाहूंगा आपसे कि आपको हिंदी में शायद ये सही ना दिख रहा हो, बट अगर मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा तो इट विल बी गुड, मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, अलाइनमेंट करना पड़ेगा एंड फाइनली क्वेश्चन सही हो जाएगा। कभी कभी फॉर्मेट, डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग
ऑनलाइन क्लास के लिए आते हैं तो फॉर्मेट ना चेंज हो जाता है। चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18, में कहा क्या है इसको समझिएगा। हर एक का कोड ना सिंबल बेस्ड दिया है। अब बेटे जब सिंबल वाले क्वेश्चंस आते हैं ना तो कुछ अलग से सिंबल तो बनते नहीं, लेटर की पोजीशन पे बेस्ड होते हैं सिंबल्स। तो आप क्या करोगे पहले, अच्छा एक काम करो, टाइमर भी ले लो ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस तो कर पाओ। मैं लिख भी देता हूं, देखिए BRAIN ब्रेन का कोड है, स्टार परसेंटेज डिवीजन हैश मल्टीप्लाई। नेक्स्ट कह रहा है टीयर, TIER टीयर। टीयर का कोड हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए टीयर का कोड हमें दिया है क्या, डॉलर हैश प्लस परसेंटेज, डॉलर हैश प्लस परसेंटेज। पूछा किसका है, आपसे पूछा ट्रेन का कोड क्या होगा, किसका कोड, अगर टाइमर शुरू नहीं हुआ कोई बात नहीं, TRAIN TRAIN। तो माय डियर ट्रेन में देखिए RAIN का कोड तो यही मिल गया क्या, परसेंटेज डिवीजन मल्टीप्लाई सॉरी देन आपका आएगा हैश एंड देन मल्टीप्लाई। टी का कोड आपको यहां से मिल गया, क्लियर। तो अगर आप यहां पर देखिए आपका आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट तो आपका गलत हो गया और केवल ये वाला पोर्शन आपको यहां पर मिल रहा है, देखिए परसेंटेज डिवीजन हैश करेक्ट। तो आपका जो करेक्ट आंसर बना वो बना सेकंड, बी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं लेटर कोडिंग में हम लोग, और 19 क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में क्या है मैं आपको बता देता हूं, APPROACH आपको दिया CHOAPRAP। तो माय डियर देखिए पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब आप देखिए 1 यहां रखा है, 2 यहां रखा है, 3 एज इट इज यहां रखा है एंड 4 एज इट इज यहां रखा है, रखा है ना। तो अगर आप इसको करेंगे रिस्ट्रिक्ट वाला देखेंगे तो आप क्या करेंगे, RESTRICT रिस्ट्रिक्ट। तो आप देखिए ये आपका पहला था तो यानी RE, ये आपका दूसरा था यानी ST, ये आपका RI तीसरा था यानी RI, चौथा था आपका CT CTRIST CT RISTRE। The correct answer is option C. C is the correct answer. चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है एंड इस होमवर्क क्वेश्चन को आप लोग करोगे घर से एंड मुझे चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि आंसर क्या है। ये काम करते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए लास्ट 30 सेकंड में हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, एक मिनट देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा फोकस कीजिए, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। घर के लिए दूसरे दो क्वेश्चन दे दूंगा आपको, घर के लिए दूसरे दो क्वेश्चन दे दूंगा। कह रहा है फ्रोजन का कोड आपको दिया है, यहां पर आपसे पूछा है मोल्टन का कोड क्या होगा, फ्रोजन का कोड दिया है, मोल्टन का कोड पूछा है, तो बताइए मोल्टन का कोड क्या हो सकता है।
चलिए टाइम अप करते हैं यहां पर. देखिए आपसे कह रहे हैं FROZEN, क्वेश्चन करते समय बिल्कुल फोकस्ड होना बहुत जरूरी है. डियर ये कह रहा है OFA PSG, तो F की पोजीशन होती है 6, R की 18, O की 15, Z की 26, E की 5, N की 14. O की 15, F की 6, A की 1, P की 16, S की 19, G की 7. तो क्लियर दिख रहा है यहां पर प्लस 1 है, यहां पर माइनस 1 है. तो ये जो चल रहा है ये क्रॉस में चल रहा है, सॉरी यहां पर भी देखिए प्लस 1 है. और देखिए अच्छा एक काम करिए ना, इसको देखिए 6 था ये 7 हो गया, 18 था 19 हो गया, 15 था 16 हो गया, 26 27, ए को 27 भी लिख सकते हैं, 5 6 14 15, यानी सब प्लस 1 चल रहा है. तो आपसे पूछा क्या है, चलिए यहीं पर देख लेते हैं. एम, एम का लास्ट लेटर एन होना चाहिए, नहीं मिला खत्म कर दिया. ओ तो प्लस 1 क्या होगा, पी, तो पी मिलना चाहिए था यहाँ, नहीं मिला. यहाँ मिलना चाहिए था पी, नहीं मिला. एल, एल का एम है टी, टी का क्या होगा यू, गलत हो गया. आंसर हो गया थर्ड, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर. तो आज के लिए आपके होमवर्क के लिए दो क्वेश्चन है मेरे पास. पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये नंबर कोडिंग से रिलेटेड है बट बहुत लॉजिकल है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी कर लीजिएगा. फिलहाल आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, एंड क्लास को खत्म करते हैं. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग. बने रहिए इसी तरह से रीजनिंग क्लासेस में आपके अंकित गर्ग सर के साथ, एंड रेगुलर बने रहिए प्लीज, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. गुड लक, बाय बाय, अच्छे से पढ़िए, थैंक यू.